नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छू महेश कामोठी। यूट्यूब में अमारी संत प्रेमी चैनल मध्यम थी आज अमे लंबे हनुमान में दर्शन कराशू। ते लंबे हनुमान मंदिर भवनाथ में आलू हो मंदिर दर्शन कराशे श्री सीताराम दास जी महाराज। जय सीताराम। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज है मंदिर ते हनुमान जी महाराज नू एटले के लंबे हनुमान नू मंदिर छे। अने एना विषे मतलब एनो महिमा छे, हनुमान जी विषे बे शब्द बोलशे अहींना महाराज श्री। जय श्री राम। भक्तों, सब दर्शकों को, यूट्यूब चैनल के दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री सीताराम। भक्तों, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इन लंबे हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और लंबे हनुमान जी नाम कैसे पड़ा, ये बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। ये लंबे हनुमान जी महाराज बहुत महिमावान, बहुत चमत्कारी हनुमंतलाल जी हैं। बहुत असीम भीड़ होती है यहाँ, शनिवार को इतनी भीड़ होती है कि 12 बजे रात में जनता को बरबस रोकना पड़ता है। बहुत महिमा है, लोगों को बहुत श्रद्धा है, सबके मनोकामना पूरा करते हैं। और महाराज जी, शनिवार को यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदर का, और यहाँ भी जरा हमारे दर्शक को बताएं। यहाँ पहले शनिवार को, रविवार को हनुमान चालीसा सुंदर कांड पाठ करने के लिए बहुत भीड़ होती थी, किंतु अब यहाँ अपने आश्रम का तो इसके निर्माण होने के कारण से कुछ तो कोरोना के कारण से, ये बीमारी के कारण से अब वो कार्य बंद कर दिया गया है। नहीं तो यहाँ अभी भी आते हैं बहुत से लोग कि महाराज जी हमको सुंदर कांड कराना है। कई आए सुंदर कांड कराना ऐसे, तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ अभी जगह नहीं है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप सब घर में ही रह करके और सुंदर कांड हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन को सार्थक करें, कल्याण करें। हनुमान जी तो कलयुग में साक्षात देवता है, सबके कष्ट निवारण करने वाले हैं। भगवान के कष्ट तक भी हरण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के लिए कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी से ऐसा कौन से कार्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञान कहा है। श्रद्धावान व्यक्ति ही भगवत कृपा का अनुभव कर सकते हैं। और महाराज जी, भगवान राम को भी ऋणी रखा ऐसा बोले, सुमेरी पवन पावन सुतु नामो, अपने बस करी राखे राम। तो वो तो भगवान ने कहा है हनुमान जी से। हाँ, क्यों, हनुमान जी जैसा कोई सेवक ही नहीं हुआ।
भगवान स्वयं राम जी कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, हे हनुमान मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता हूँ। क्यों क्यों उरिन नहीं हो सकता हूँ कहा है? क्या परमात्मा भगवान श्री राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, लेकिन हनुमान जी की सेवा सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान का नाम श्री राम जी का नाम सुमरण करके और हृदय में सदा भगवान जुगल सरकार श्री सीताराम जी को अपने हृदय में विराजमान कर रखते हैं। आप सब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। तो इसी भाव से आप सब हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। और ये परम समर्थ सिद्ध श्री हनुमान जी हैं जूनागढ़ में, और ये श्री गिरनार जी में, गिरनार क्षेत्र बहुत परम सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ सिद्धों का परम गढ़ क्षेत्र है, यहाँ एक से एक अभी भी गुप्त और प्रगट साक्षात बहुत से संत हुए हैं यहाँ। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा गिरनार आ करके और श्री लंबे हनुमान जी महाराज के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय श्री राम, जय सीताराम, जय। और महाराज जी भगवान एक परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ना घना बदा कार्य ना काम करा, मोटा मोटा काम करिया, एक बड़े बड़े कार्य किए हनुमान जी ने, तो उन्हीं में से कार्य किए उनमें से थोड़ी यादी आप दिला दीजिए कि हनुमान जी ने कौन सा कार्य किए राम जी का। हनुमान जी ने ऐसा काम कौन सा कार्य है जो राम जी का नहीं किए हैं? हनुमान जी का ऐसा कौन, भगवान श्री राम का ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं और नहीं किए हैं? आप स्वयं ये देखिए, श्री रामचरित मानस में पढ़ते हैं, लंका कांड में कथा, मेघनाथ के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगते हैं, भगवान नरलीला का अभिनय करते हुए अधीर हो जाते हैं, विलाप करते करने लगते हैं, हे भाई मैं तुम्हें माता पिता से दूर ला करके और जंगल में यहाँ ला करके वन में ला करके और तुम्हें युद्ध में झोंक दिया मैंने, तो नर मनुष्य की तरह भगवान साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं। उनको विलाप सुन करके श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु इस सेवक के इस दास के होते हुए आप विलाप करें यह तो ठीक नहीं, क्या आपको अपने हनुमान पर विश्वास नहीं है? भगवान कहते हैं, नहीं हनुमान तुम्हारे ऊपर ही तो मेरा पूर्ण विश्वास है, तो प्रभु आप कृपा करके मुझे आदेश दीजिए कि क्या काल की क्या गति है कि श्री लखनलाल जी का कुछ अनिष्ट कर सके। आपका आज्ञा हो तो मैं जहाँ से भी हो संजीवनी बूटी जो सुसेन जी के द्वारा जो बताया हुआ है उसको मैं जहाँ भी हो क्षण भर में लाऊंगा। कहते हैं हनुमान यहाँ से बहुत दूर है, हिमालय में है और ये दक्षिण है, लंका है, कैसे ला पाओगे? प्रभु आपके कृपा के बिना कोई भी संभव नहीं है। हनुमान जी के बारे में थोड़ी बात बताई, कहते हैं कि सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, ये हनुमान जी तुम राम जी को काम आने वाले, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दे सिया राम से। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।